नमस्कार दोस्तों, आईएसपीसी जून में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों समय 10 बज चुके हैं और जैसा कि मैंने बोला था कि अब जो है प्रत्येक दिन हम लोग 10 बजे सुबह में लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को जो है एक एक सेट यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। तो आज हम लोग दूसरे सेट लेकर के तैयार हैं और ये है वैदिक संस्कृति। ठीक है, वैदिक संस्कृति से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे वो सारे प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाला जितना भी वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और इस वीडियो को दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। और हाँ, पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों ये जो बुक देख रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक है और ये बिल्कुल न्यू एडिशन 2024 का है। ठीक है ना, तो 2023 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न इसमें सम्मिलित है। ओके, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों ये है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको फट से आंसर देना है और जो भी सही उत्तर होगा इसे मैं टिक आउट करते चलूंगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक, ठीक है, यह है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक और यह है उत्तर वैदिक संस्कृति। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, इसको माना जाता था पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक को 1000 से 1500 से 1000 ईसा पूर्व, इसको माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आर्य शब्द का आर्थिक अर्थ क्या है। आर्य जो शब्द है इसका आर्थिक अर्थ क्या है, तो इसका आर्थिक अर्थ है दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे गलत कथन कौन सा है। तो वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, देखिए ये गलत है। ठीक है ना, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, से किस फसल का ज्ञात वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ठीक है, इनमें से जो है किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो कौन सा फसल था दोस्तों, तो वह था तंबाकू। ठीक है, तंबाकू का ज्ञान उन लोगों को नहीं था, चावल गेहूं जौ ये सब चीज का ज्ञान था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रमण के नाम से। किस नाम से दोस्तों, श्रमण के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो ये है दोस्तों शुल्ब सूत्र। क्या है, शुल्ब सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऋग्वेद में। किसमें दिया गया है, ऋग्वेद में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो है लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है, तो सही क्रम हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले वेद लिखा गया, फिर ब्राह्मण लिखा गया, फिर आरण्यक लिखा गया और सबसे अंत में उपनिषद लिखा गया। तो ये क्रम सही है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है। वेद जो है दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा चार। कितना है, चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ओके, नेक्स्ट है, कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद वेद त्रयी के कहलाते हैं। ठीक है, कौन से तीन ऐसे वेद हैं जो त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। ओके, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद जो है बाद में आया। ठीक है, तो ये तीनों को जो है त्रयी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। सत्यमेव जयते जो है दोस्तों किस उपनिषद से लिया गया है, ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक है, ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों, तो ये था पशुपालन। क्या था, पशुपालन। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृत का संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का जो है आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों सामवेद का। ठीक है, सामवेद से जो है, सामवेद से ही संगीत का उदय हुआ है ये कह सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम विधि निर्माता कौन थे। प्रथम जो थे विधि निर्माता कौन थे, तो प्रथम विधि निर्माता मनु थे। कौन थे, मनु। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है,
कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? तो ये है श्रीमद् भागवत गीता। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में जो है संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोधन। ठीक है, गोधन जो था वो प्रमुख संपत्ति था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ठीक है, शूद्र शब्द का उल्लेख जो है पहली बार किसमें मिलता है? तो ये मिलता है दसवें मंडल में। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18। कितना है दोस्तों? 18 है, पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकृति। क्या हो जाएगा? प्रकृति। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द का जो है प्रयोग किस देवता के लिए हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंद्र के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्भ सूत्र जो है दोस्तों किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्यामिति से। ओके, नेक्स्ट है, अस्मो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ पे बस गए थे? ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब में। कहाँ बसे थे? पंजाब में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, यज्ञ करता दिया गया है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको मिला देते हैं। ओके, तो पहला बात करें हम ऋग्वेद, तो ऋग्वेद जो है इसके यज्ञ करता है होत्री थे। कौन थे? होत्री थे। यजुर्वेद के अध्वर्यु थे। ओके, सामवेद के उद्गाता या उद्गात्री थे, और अथर्ववेद के ब्रह्मा थे। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों को अपुरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को जो है दोस्तों अपुरुषेय क्यों कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वैशेषिक दर्शन जो था उसके प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? तो ये थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, उलूक या कणाद थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 28 नंबर प्रश्न है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौन हो जाएगा? जैमिनी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो ये हैं वाद्रायन। कौन है? वाद्रायन। नेक्स्ट है, ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? पूछा जाता है देवता सोम से संबंधित कौन सा मंडल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नौवां मंडल। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध दस राजाओं का युद्ध जिसको कि दशराज युद्ध कहते हैं, किस नदी के तट पर लड़ा गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परुष्णी नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट है, धर्मशास्त्रों को भू राजस्व की दर क्या था? धर्मशास्त्रों में जो है भू राजस्व की दर क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1/6 था। कितना था? 1/6 था। नेक्स्ट है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्मशास्त्र के काल में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व जो है इसलिए है कि बोगाज कोई, ठीक है, क्यों महत्व है भाई? तो इसका महत्व है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें चार वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नाथ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसलिए जो है एशिया स्थित जो है माइनर स्थित बोगाज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र जो कि देवी सवृत्ति को संबंधित है किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। किसमें मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय दर्शन को जो है किसने प्रचारित किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गौतम ने। किसने किया था? गौतम ने। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निस्क से जाने जाते थे, निस्क से निस्क जो है किसे कहा जाता था? तो निस्क कहा जाता था स्वर्ण आभूषण को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पतंजलि। कौन है? पतंजलि है। नेक्स्ट है उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये है दर्शन से संबंधित, यानी कि दर्शन पर है। ठीक है, नेक्स्ट है 41, सूची एक को सूची दो से यहाँ सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले यदि मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर ऋग्वेद का, तो ऋग्वेद जो है इससे क्या मिलता है, इससे स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं मिलती हैं ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद से जो है दोस्तों क्या मिलेगा, स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं मिलेंगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यजुर्वेद का, तो यजुर्वेद में क्या मिलता है, यजुर्वेद में जो है स्तोत्र एवं कर्मकांड का बात किया गया है। सामवेद में जो है दोस्तों संगीतमय स्तोत्र का बात किया गया है। ठीक है, फिर बात करें मैं यदि मैं बात करूँ अथर्वेद में, तो अथर्वेद में जो है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण की बात की गई है। तो यहाँ पे इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। ठीक है, सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु। कौन सी है? सिंधु नदी है। नेक्स्ट है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, अश्वपति शासक जो है कहाँ के थे, तो अश्वपति शासक जो थे दोस्तों वो थे कैकेय के, कहाँ के थे, कैकेय के थे। ठीक है, नेक्स्ट है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कठोपनिषद से। किसे मिलता है? कठोपनिषद से। नेक्स्ट है वैदिक नदी कुंभा, जिसको कि काबुल कहा जाता था, ठीक है ना, वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सांख्य दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो ये कहाँ से मिला है, ये मिला है अंतरजी खेड़ा से, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है ऋग्वेद पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामवेद का। किसका है? सामवेद का है। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, ठीक है प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, तो ये कौन हो जाएगा? भागवत। ओके, नेक्स्ट है कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये है मीमांसा से। किससे है? मीमांसा से है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पे इसको सुमेलित करना है, ठीक है ना, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 51 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ अथर्वेद, तो अथर्वेद में जो है दोस्तों औषधियों से संबंधित बात किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में ईश्वर महिमा की बात की गई है, यजुर्वेद में बलिदान विधि की बात की गई है, और सामवेद में संगीत का बात किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, चरक संहिता। ठीक है, तो चरक संहिता जो है दोस्तों ये संबंधित है चिकित्सा से, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है दोस्तों, तो ये जो पता है ये चलता है यजुर्वेद से, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वैदिक युगीन जो सभा थी, सभा को क्या कहा जाता था दोस्तों, तो सभा जो थी वो मंत्रिपरिषद होती थी, क्या होती थी? मंत्रिपरिषद होती थी, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी। ठीक है, लोकप्रिय जो शासन प्रणाली थी वो क्या थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गणतंत्र थी। कैसी थी? गणतंत्र थी। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद की बात करेगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद होगा अथर्वेद। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, आरंभिक विचारधारा है भारतीय दर्शन की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सांख्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? सांख्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन छह विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, तो ये जो है कौन से युग में अभिव्यक्ति हुई है इसकी, तो ये हुई है वैदिक युग में, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। ठीक है, आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो वो था लुहार, यानी कि लुहारगिरी। नेक्स्ट, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ उपवेद दिया गया है, दूसरा तरफ जो है संबंधित वेद दिया गया है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यदि मैं बात करूँ दोस्तों आयुर्वेद का, तो आयुर्वेद किससे संबंधित है, ये है ऋग्वेद से।
नेक्स्ट है धनुर्वेद। धनुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। गंधर्व वेद संबंधित है? सामवेद से। और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र संबंधित है? अथर्ववेद से। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन है दूसरे मंडल एवं सातवें मंडल। दूसरे मंडल से सातवें मंडल तक को जो है वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अथर्ववेद में। किसमें किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। नेक्स्ट है, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द जो है दोस्तों यह किसको इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रेष्ठ वंश को। किसको करता है? श्रेष्ठ वंश को करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टोटल 10 मंडल है। ठीक है, फिर है, आर्य भारत में संभवतः आए थे, आर्य जो है भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य एशिया से। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अथर्ववेद में। ठीक है, कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विदित। क्या हो जाएगा? विदित। नेक्स्ट है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? गोत्र व्यवस्था जो है प्रचलन में कब आई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? ठीक है, अनुलोम विवाह जो होता था, तो अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता था? तो ये होता था उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह होना। ठीक है, इसको अनुलोम विवाह कहते थे, उच्च वर्ण पुरुष, ठीक है, और निम्न वर्ण नारी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतिलोम विवाह किसे कहा जाता था? अनुलोम विवाह में तो होता था पुरुष जो है उच्च कुल का होता था और नारी जो है निम्न कुल की होती थी। और प्रतिलोम में क्या होता था दोस्तों? तो प्रतिलोम में जो है होता था उच्च वर्ण की नारी, ठीक है, उच्च वर्ण की नारी होती थी और निम्न वर्ग के पुरुष होते थे। ठीक है, तो इसको प्रतिलोम कहते थे, इसको आप याद रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वैदिक युग में यव कहा जाता था, यव जो है वैदिक युग में किसे कहा जाता था? देखिए ये सब जो शब्द है ना, ये हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे ब्रीही हो गया, यव हो गया, अथर्व हो गया, तो ये शब्द पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जौ। ठीक है, यव किसको कहते थे? जौ को कहते थे। नेक्स्ट है, ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त था? व्रीही शब्द। तो ब्रीही शब्द जो था दोस्तों, ये चावल के लिए था। ठीक है, और अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ होता था पवित्र जादू। क्या होता था? पवित्र जादू होता था। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे है ये मिलान करने का है, चलिए हम लोग यहाँ मिलान कर लेते हैं। शिक्षा के लिए बात करें तो ये जो है ध्वनि शास्त्र में है, कल्पसूत्र कर्मकांड है। निरुक्त की बात करें दोस्तों, तो ये छंद शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र है, और छंद जो है ये छंद शास्त्र है। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो ये है पाणिनि। कौन है? पाणिनि। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए जेपीएससी 2010 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ठीक है, प्राचीनतम स्मृति है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मनुस्मृति। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा जो है किसे दी जाती है दोस्तों? तो ये दिया जाता है रामायण को। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? प्राचीनतम पुराण, तो प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है दोस्तों, सरस्वती को माना गया है। ओके, सिंधु मत मार के आ जाएगा, सरस्वती है। नेक्स्ट है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी दोस्तों? तो ये थी कुल या कुटुब। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंद्र थे वो। ठीक है, इंद्र के लिए 250 सूक्त की रचना हुई थी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है, तो यह जो है किसमें कहा गया है दोस्तों? तो ये कहा गया है अथर्ववेद में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है?
ये जो तीन बुराइयों में शामिल किया गया है दोस्तों, ये किया गया है मैत्रायणी संहिता में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ये था प्रजापति को। किसको था? प्रजापति को। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ जो होता था वो राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ जो था वो राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ जो था वो शौर्य प्रदर्शन पर प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ था, वाजपेयी यज्ञ। और अग्निस्टोम यज्ञ जो था वो देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान लिया किया जाने वाला यज्ञ था। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर जो है ये भी मिलान करना है। एक तरफ जो है ऋग्वेद में उल्लिखित नाम दिया गया है, दूसरी तरफ आधुनिक नाम दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों पारुष्णी, पारुष्णी जो है रावी नदी, पारुष्णी का जो है आधुनिक नाम क्या है? रावी। ठीक है, सतलज नदी को जो है ऋग्वेद में क्या कहा गया है? शतुत्री। चिनाब को कहा गया है अस्कनी, और ब्यास को क्या कहा गया है? विपाशा। ठीक है, तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ये जो नदी है ना, इसे आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कार जो है दोस्तों वो कुल संख्या उसकी कितनी है? तो वो है 16। कितने संस्कार हैं? टोटल 16 संस्कार हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो ब्रह्म विवाह जो है वो होता था समान वर्णीय जाति का विवाह को हम क्या कहते थे? ब्रह्म विवाह। देव विवाह किसको कहते थे? पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह को देव विवाह कहते थे। आर्ष विवाह किसे कहते थे? तो आर्ष विवाह कहते थे कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुराकर किया गया विवाह को आर्ष विवाह कहते थे। ठीक है, और प्रजापत्य विवाह कहते थे बिना दहेज के विवाह को प्रजापत्य विवाह कहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ यहाँ पे गंधर्व विवाह, तो गंधर्व विवाह क्या था? प्रेम विवाह। प्रेम विवाह जो होता था उसको गंधर्व विवाह कहते थे। असुर विवाह क्या होता था? कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को असुर विवाह कहते थे। राक्षस विवाह क्या होता था? पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह करना राक्षसी विवाह कहलाता था। और पैसाच विवाह जो था दोस्तों, पैसाच विवाह जो था वह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके उसके साथ किया गया विवाह को पैसाच विवाह कहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तीन ऋग में शामिल नहीं है, तीन ऋण में जो है शामिल कौन सा ऋण नहीं है यहाँ पे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मातृऋण। मातृऋण शामिल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति यहाँ पे कौन सी है दोस्तों? तो यह है गिरुवर्णी मृदभांड। ठीक है, जिसको कि OCP संस्कृति कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी थी? उत्तर वैदिक काल से, ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल से हो जाएगा चित्रित धूसर मृदभांड, जिसको कि PGW संस्कृति भी कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवानपुरा से। कहाँ से आया है? भगवानपुरा से। नेक्स्ट है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। किस में पाया गया है? ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ऋग्वेद में अघन्य यानी बद्ध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गाय के लिए। किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। संग्रहित जो था वो कोषाध्यक्ष था। भाग दूध क्या था? कर संग्रह करता था। छता या छत्री किसको कहते थे? पांसे के खेल में राजा का सहायक जो होता था उसको छता या छत्री कहते थे। अछवाप किसको कहते थे? प्रतिहारी या राजप्रसाद का रक्षक होता था उसको अछवाप कहते थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है रित यानी कि प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतसय गोप कहा गया है? ऋतसय गोप कहा गया है। ठीक है, तो ऋतसय गोप जो है दोस्तों वो कहा गया है वरुण को। किसको कहा गया है? वरुण देवता को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ठीक है, समुद्र का देवता किसी को कहते थे? तो समुद्र का देवता कहते थे वरुण को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है
तीन क्रमों यानी पगों में तीन लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ठीक है, तो ये कहा गया है विष्णु को। किसको कहा गया है? विष्णु को। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पूषण, पूषण था जो विवाह का देवता था, पूषण। ठीक है, रुद्र पशुओं का देवता होते थे। धौस या धौ जो थे वो जगत के पिता थे। अदिति जो थे वो देवों की महान माता थी, अदिति। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुस्मृति मुक्त्या संबंधित है। मनुस्मृति जो था दोस्तों वो किससे संबंधित था? तो मनुस्मृति जो था वो संबंधित था समाज व्यवस्था थे, समाज व्यवस्था से। ठीक है, ठीक है, तो इससे यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये हमेशा पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्वामित्र ने। किसने किया था? विश्वामित्र ने। नेक्स्ट है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान से। किससे संबंधित है दोस्तों? ईरान से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो वे लोहे के उपयोग से परिचित थे ये गलत है, उस समय लोहा नहीं था। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंभा या क्रम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं एवं दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी, बिल्कुल ये कथन सही है। दूसरा है, रीत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, तो ये भी सही है और ये भी सही है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। एक तरफ जो है वैदिक नदियाँ दिया गया है, दूसरी तरफ आधुनिक नाम दिया गया है। ठीक है, तो चलिए मिला लेते हैं हम लोग। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे दोस्तों कुंभा का, तो कुंभा जो है काबुल। परुष्णी की बात करूँ तो परुष्णी का क्या हो जाएगा? परुष्णी का रावी हो जाएगा, सदा निरा गंडक शतुद्री शतरज। ठीक है, तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ठीक है, ऋग्वेद में जो है टोटल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 1028 यानी 1028 सूक्त है। ठीक है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? पूर्व वैदिक आर्य जो थे उनका धर्म क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है? भारतीय परमाणुवाद का जनक जो है दोस्तों किसको कहा गया? तो यह कहा गया है महर्षि कणाद को, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ये कौन थे दोस्तों? तो ये थे ऋषि गौतम रहुगण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद के दसवें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर्या सूक्त। देख रहे हैं ये सीडीए 2018 में पूछा गया है। ठीक है, फिर है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को जो है शत सहस्त्रयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाभारत को। ठीक है, ये देखिए UPJSC 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चार्वाक दर्शन की शाखाएं कौन सी है? ठीक है, चार्वाक दर्शन की, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे धूत हो जाएगा और सुशिक्षित हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भागवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भीष्म पर्व का। देखिए UPPCA 2022 में पूछा गया है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग टोटल जो है वैदिक संस्कृति को कंप्लीट कर लिए हैं, और मेरा यकीन है यदि आप इस वीडियो को एक से दो बार पूछ लेंगे, देख लेंगे, तो परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।